मंदसौर में आगामी समय में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है। तैयारियां लगभग प्रत्येक जिले में होने लगी हैं। मंदसौर में भी निर्वाचन हेतु तैयारियां चल रही हैं, लेकिन यहां अधिकारी अभी से मीडिया से दुर्व्यवहार करने को। जी हां, बुधवार को कुछ ऐसा ही नजारा जिला कलेक्टर कार्यालय के निर्वाचन विभाग में देखा गया। दरअसल यहां ईवीएम मशीनों को कुछ प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा होना था। जब मीडिया कर्मी ईवीएम मशीनों को कवरेज करने लगे तो यहां तैनात प्रशासन के अधिकारी मंदसौर डिप्टी कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने मीडिया के मोबाइल कैमरे छीन लिए और वीडियो डिलीट करने को कहा। जब अधिकारी से इस बारे में जानना चाहा तो वे कुछ नहीं बोले। खैर, कुछ समय बाद अधिकारी ने मीडिया के मोबाइल वापस कर दिए और वहां से रवाना हो गए। इधर मीडिया से हुए इस तरह की व्यवहार पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रात्रिडिया ने अधिकारी के व्यवहार को अनुचित बताया और कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस तरह देश भर के कई हिस्सों में ईवीएम की पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उसे देखते हुए न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि मीडिया का भी फर्ज बनता है कि ये कवरेज कर जनता के बीच पारदर्शिता रखे। वहीं इधर मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मामला सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है। मैंने अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके मीटिंग में होने से चर्चा नहीं हो पाई। अधिकारी से चर्चा कर पक्ष जानकर नतीजे पर पहुंचेंगे। मंदसौर से इमरान बागवान की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को जाना जाता है और आज जो अपर कलेक्टर द्वारा जो मीडिया के साथियों के साथ घटना की गई है वो निंदनीय है। अपर कलेक्टर बिल्कुल तानाशाही, लोग जो लोकतंत्र में एक निरंकुश शाही का जो रूप है वो अभी थोड़ी देर पहले मंदसौर में दिखा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईवीएम में हमेशा घोटाले की और गड़बड़ी की आशंका हमेशा व्यक्त की गई है। अगर मीडिया के साथ ही वहाँ देखने गए, अगर वो कोई कवरेज कर रहे थे, अगर ईवीएम बिल्कुल पाक साफ थी तो आपको वहाँ मीडिया के साथियों से झूमा झपटी करने की या उनके कैमरे छीनने की कहाँ जरूरत पड़ी। ये तो बहुत ही बड़ा कुठाराघात है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर। मैं मांग करता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार से और बैठे इनके नुमाइंदों से कि आप लोग जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से जनता को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आम आदमी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, अब तो हद हो गई कि आप लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसके जो साथी हैं उनको भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जो वास्तविकता है वो जनता के बीच आना चाहिए। हमने तो पहले भी आशंका व्यक्त की थी, जब ये ईवीएम गुजरात से लाई गई तो हमने तभी आशंका व्यक्त की थी कहीं ना कहीं ये मिली भगत है सरकार की और उस कमी को छुपाने के लिए आज ये जो कुछ घटनाक्रम मंदसौर में हुआ है वो उस कमी को छुपाने का एक बहुत बड़ा प्रमाण सामने आया है। मैं इसकी पूरी जांच की मांग कर रहा हूँ, साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को, मंदसौर की हमारी पूर्व सांसद हमारी नेता मीनाक्षी नटराजन को एवं अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस मामले की पूरी जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ ताकि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो और जिस अधिकारी ने मीडिया के साथियों के साथ ये बदसलूकी की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।